तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज के गेम प्ले में दो चीज होने वाली है। पहली बात तो ये कि पूरा मैच पोचिंग के अंदर है, एक न्यू रिकॉर्ड मान सकते हो। दूसरी बात ये कि मैं अभी जिस बंदे से मरूंगा एंड में उसी को मार के हम लोग चिकन डिनर करने वाले हैं। तो चलो गाइस देखते हैं क्या होने वाला है। अब जैसे ही उतरा अभी एक बंदा भाई मेरे ही घर में था, मैंने इसको लिट किया, फिर दूसरी साइड से कूद के रश करता हूं ताकि इसको पता ही ना चले कि अपन किधर से रश करने वाला है। अब देखो जैसे ही मैंने इसको मारा मेरे ही घर में से मेरे को एक और साउंड आया। मैं समझ गया ऊपर कोई तो है, लेकिन अपन बोला पहले लूट पूरी लूटेगा हम। जैसी लूट लूटी मतलब यार मानना पड़ेगा कि आजकल के लौंडों में जान बहुत है, पलट के पूरा वार करते हैं, ये नहीं कि बचले जाके मतलब ना ना मन ना मुन्ना नहीं। खैर अब यहां पर देखो जैसे मैंने इधर इसको मारा उसके बाद में मेरे को ना इस वाले सामने वाले घर में एक बंदे का साउंड आया। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक धमाका सा कुछ किया जाए, तो मैंने यहां पर एक ग्रेनेड लिया हाथ में फेंका, लेकिन भाई उस बंदे ने भी मौली फेंक दी। देख रहे हो भाई साहब आजकल के लौंडे बहुत हरामी है, बहुत बच के खेलना पड़ेगा। खैर यहां पर मैंने अपनी बोतल पी, उसके बाद में मैं घूम घाम के पहुंच जाता हूं उन गलियों में जहां से मुझे मौली मिली थी। खैर जैसे यहां पर आया सोचता हूं कि इस घर में बंदा होगा, चलो घुस जाते हैं। लेकिन भाई भाई वो मेरे लिए तैयार था, और ऐसा तैयार है कि वो मेरे को हर छेद से मारने की कोशिश कर रहा है। देखो तुम, मैं कह रहा था भाई आज बचा लो मुझे इससे। फाइनली इसने मेरे को लिट किया। मतलब इस बंदे को तुम देख रहे हो भाई मारने के लिए पूरा पागल है, वो खुद मरने को तैयार है। फाइनली मैं राइट साइड से कूदा और देखो अब पक्का ये मेरे को नाम पढ़ के मारने वाला है। ये होते ना कि बंदूकबाज है यूट्यूबर है पेलना है इसको, तो अपना उसका जिंदगी का एक ही मकसद है कि इसको मारना है बस। खैर मैंने जिस बंदे को नॉक किया फिनिश कर दिया, और उसके बाद में एक बंदा मेरे को सामने वाले घर में दिखाई दिया। अब जैसे ही इधर आया तो मैंने भी क्या काम करा, चुपके से मैं राइट साइड से इसकी तरफ आया, और जैसे ही यहां आया अब ये जंप शॉट मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट शॉट है, और उसके बाद में ये ड्रॉप शॉट। मतलब मैंने उसको जिस हिसाब से फ्री फायर में मारा ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करना। बट इसके बाद में अभी रुको, तबाही तो अभी चालू हुई है मेरे भाई। इसको नॉक किया। अब देखो यहां इतने बंदे मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बस तुम देखते जाओ और गिनते चले जाना अपने आप। फिर से एक और आया, और ये हरामी एक एक करके क्यों आ रहे हैं, एक साथ भी तो आ सकते हो तुम। खैर इसमें मेरा ही फायदा है, मेरे को क्या नुकसान है। बट ये जंप कर रहा था और दूसरा मुझे लपेट गया। अब इस बंदे का नाम पढ़ लो, गैंगस्टर राज 040, क्योंकि इस बंदे की तो मैं ऐसी कॉपी चेक करूंगा ना भाई, पूरी कॉपी फाड़ दूंगा देखना तुम आज। खैर अब यहां पर वापस से कूदा पोचिंग की, और भाई जैसे ही कूदा ये मान लो कि मरते मरते बचा मैं यहां पर। अब यहां मैं आया एक घर में, तो एक बंदे ये बंदा INDS के गेम इन भैया बैठे हुए थे, पता नहीं किसका किससे कॉल पे बात कर रहे थे, लग रहा है अपनी बाबू से कर रहे होंगे। बट मुझे इनसे मिल जाती है लूट, जैसी लूट मिली अब बंदे और तबाही रुकने का नाम नहीं ले रहे भाई यहां पर। फाइनली मैंने काफी देर यहाँ का पहले माहौल देखा कि क्या चल रहा है, क्या गर्मा गर्मी है, और उसके बाद में मैं आ गया इस घर में। अब जैसे मैं यहाँ आया, अभी लास्ट टाइम मैं मीटअप की वजह से मारा था, और फिर से सेम यही बंदा मीटअप के लिए। अब इस बंदे से मेरी बात हुई थी तो मैंने इसको मना कर दिया कि भाई तुम जाओ एंड थैंक यू सो मच लव यू ऑल, बट नहीं कर सकता मीटअप। लेकिन ये बंदा मान ही नहीं रहा, और बंदे आसपास मैंने कर दिया इसको नॉक। अब नॉक क्यों किया देखो जरा, जैसे इसका टीममेट आता है दूसरी टीम के बंदे उसको भर देते हैं, तो मेरा इस समय में मीटअप ना कर मना करना एक अच्छा डिसीजन था। खैर अभी देखो अब ये एक टीम के दो बंदे इधर उधर बिखरे हुए थे और मैं बीच में फंसा हुआ था, समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। बट फाइनली तुम्हारे भाई ने दिमाग लगा के सोचा पहले इसमें घुस जाता हूं, लेकिन तभी ये बंदा रोटेट करके इधर आया और मैंने दवा दे दी इसको, पता है बढ़िया वाली दवा लेके इसको बहुत अच्छा लगा। इसने मेरे को बताया, मैंने फीडबैक लिए दवा के, तो बोला बहुत अच्छी दवा यार सबको दिया करो। और जिस बंदे को मैंने नॉक किया था मीटअप वाला था उसको मैंने लव यू बोला एक बार और कि भाई सॉरी, बट लेकिन मेरा वो डिसीजन तो मानो मेरे लिए ठीक था उस समय, वरना मैं भी पिल जाता यहां पर। फाइनली मैं आया स्क्वाड हाउस की तरफ, और जैसे ही आया सामने घर में, अब इस बंदे से रिलेटेड चीज बताना चाहता हूं, ये बंदे को मैं ऐसा मारने वाला हूं कि नाना पाटेकर याद आ जाएंगे मुझे। देखो तुम
अभी जो मैंने मारने वाली बात करी वो अभी नहीं है, बस दो मिनट बाद देखना, अभी तो मैं ऐसे भागने वाला हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से ना कोई परफेक्ट एंगल मिल नहीं रहा। मैंने बोला क्या फायदा यार इससे, बढ़िया तो यहाँ तो सांप भी नहीं मर रहा और लाठी भी टूट रही है, तो इससे काम नहीं चलेगा, वापस चलते। बट जैसे ही वहां से मुड़ा भाई साहब, यहाँ बैठे हुए थे छुपे रुस्तम लोग, छुपे रुस्तम जानते, चुपचाप बैठे रहते हैं जो यूजी वूजी लेके। ये पहले तो मैंने इसको मारा, अब जैसे ही इसको मार के मैं ऐसे निकल रहा होता हूं, मुझे इसका भाई मिल जाता है। देखो तुम कैसे भाई, कैसे वो भी छुपा हुआ था, लेकिन तुम्हारे भाई को साउंड आ गया, मेरे कान बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं साफ करता हूं रेगुलर उनको। अब ये बंदा ऊपर जाके बैठ गया और इसके पास थी यूजी, ठीक है, मैंने सोचा ग्रेनेड फेंकूंगा तो आवाज आ जाएगी, इससे बढ़िया घुसी जाते हैं। आहा रघु भाई, यूजी लग गई रिलोड पे। तो सबसे पहले तो गाइस जिन लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया दबाओ, जल्दी से दबाओ लाइक एंड सब्सक्राइब। बट अब देखो इधर की तरफ से गन फाइट के साउंड तुम लोग को आ ही गए होंगे, मुझे भी आए हैं और एक बंदा भी दिखाए। और पाजी ब्लैक पेल कैसे हो, जैसे इस बंदे को नॉक किया इधर की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन तभी इसकी टीम मेरी तरफ रश कर देती है। अब यहां मेरा पेशेंस लेवल देखो, हग दिया, नॉक किया, ऊपर जाता हूं, पहले तो इनको फिनिश किया और एक बंदा और नीचे आ चुका था जिसने अभी आके प्री फायर दिया। अब मैंने सोचा उसके पास AKM है, वो भर देगा तो बेइज्जती सी हो सकती है, पहले एक बोतल पी लेता हूं, बोतल पी लेकिन देखो पूरी, लेकिन लगी नहीं भाई, और मैंने कर दिया रश, इस बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया। बट जैसे ही आया गेट खोला और देखो, पहले किया रिवाइव करने वाले को नॉक, फिर किया रिवाइव होने वाले को नॉक, उसके बाद में किया इसको फिनिश, और उसके बाद में किया उसको फिनिश। अब वो सब छोड़ो, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो मैं अभी तक स्टार्टिंग से एंड तक कोचिंग की मैं फाइट कर रहा हूं और मेरे हो चुके 17 फिनिश, जो कि अभी तक रिकॉर्ड ही बनता जा रहा है। देखते जाओ, न्यू रिकॉर्ड बनने वाला है मेरा आज, मतलब लिटरली अब तक का। अब जैसे कोचिंग की से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था भाई, इधर स्क्वाड हाउस में भी दो बंदे कैंप करके बैठे थे। अब एक को तो मैंने थोड़ी सी दवा दी लेकिन वो उसके बाद झांका नहीं, दूसरे को झकाने की कोशिश की तो वो भी नहीं झांका, और फाइनली अब तैयार हो जाओ उस ब्लू वाले घर की कॉपी फाड़ने के लिए। ठीक है, मैं आता हूं इस वाले घर में, और यहां सामने वो ब्लू घर में को दिख रहा था, और मेरे को उस घर में दिख रहा था बंदा। जैसे इस बंदे को देखा भाई साहब, क्या स्प्रे था ये गाइस। सबसे पहले तो सभी लोग इस वाले स्प्रे के लिए प्लीज लाइक कर रहे हैं, कमेंट करके बताओ लगा कैसा। दोबारा देखो, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे, दूसरी बार भी मारा है भाई सेम स्प्रे। खैर भाई साहब, इस बंदे के बाद, इस बंदे का मतलब इस स्प्रे के बाद इस बंदे का डीमोटिवेट होना तो बनता है, बट इसके बाद एक चीज और होती है कि स्क्वाड हाउस वाले बंदे मेरे पर रश कर जाते हैं। पहले मैं एक को मारता हूं, दूसरे बंदे का साउंड जैसे ही लेफ्ट से आया लेफ्ट की तरफ जाता हूं, दिखा बंदा। अब देखो इन बंदों की खासियत क्या होती है, जो बंदे छिपके खेलते हैं ये जब तक छिपे रहते हैं तब तक आपको डरना है, क्योंकि ये तब तक मार सकते हैं आपको, लेकिन सामने में क्या होता है कि इनका गन गेम उतना स्ट्रांग नहीं होता, दैट्स वाई ये छिपके खेलते हैं। तो जब ये सामने होते हैं तो मैं उतना नहीं डरता, लेकिन जब छिपे रहते हैं तो भाई बहुत डर में रहता हूं मैं। फाइनली मुक्के मार मार के मैं भाई आ गया यहां पोचिंग की दूसरी तरफ मिलिट्री बेस साइड, और जोन देखो लाइट साइड में कितना छोटा है, मतलब पूरा जोन अभी तक पोचिंग की में, मेरे 19 फिनिश हो चुके हैं। सामने से एक बंदे का साउंड आया, मैंने ग्रेनेड फेंका और ये बंदा उसी समय मेरे ग्रेनेड के मुंह के आगे आ गया। मैंने बोला तू लड्डू खा और खुश रह और जा। फाइनली जैसे ही आगे बढ़ा यहां से, अब सामने भाई साहब M249 पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और गैंगस्टर राज 040 किलफीड में नाम दिख गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद देखो सामने, मैं देखता इससे पहले पीछे की तरफ या नाली में कुछ बंदे आ गए, मैंने ग्रेनेड फेंका, उधर से उसने भी वॉली फेंकी। अब मैं ओपन में जाके इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि इसका एक बंदा ओपन में ऑलरेडी लेटा हुआ था कहीं घास वास में, तो मैं इंतजार करता हूँ जोन के श्रिंक होने का। जैसे जोन श्रिंक हुआ ये तो निकल गया, लेकिन इसका टीममेट रह गया। मैंने बोला चलो भाई तुम आ जाओ पहले, अब इजी नॉक, इसका टीममेट आया लेफ्ट से, मौली फेंकी उसने। मैं जल्दी से दिमाग लगाता हूँ, ग्रेनेड से मरने से अच्छा कूद जाता हूँ नीचे, कूदा बूम। भाई साहब कैसे कर लेता हूँ मैं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे अपना ब्लड टेस्ट कराना होगा, ये सब मैं क्यों कर पा रहा हूँ। खैर यहाँ पर अब देखो सामने ने मुझे स्मोक दिखाई दिया और मैंने 6x खोला था उसको मारने के लिए, लेकिन जैसे उसने ओम चलाई ना मैंने वापस से 3x में एडजस्ट कर लिया। खैर अब यहां देखो एक बंदा दिखा राइट में आता हुआ जोन में,
अब इस समय सबसे कमाल की बात ये थी कि मेरे पास था जोन और जिसका मैं पूरा एडवांटेज उठा रहा था। देखो अब दूसरे बंदे को ही मारा मैंने। इजी भाई साहब, एक और दिखा और ये था मेरा 25वां नॉक। ठीक है, फाइनली मैं आया आ गया। मुझे पता था इसका टीममेट पक्का शेक के पीछे पीछे ही होगा, तो चलो एक काम करते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं। मैंने ग्रेनेड फेंका एक, ये मैंने फेंका दूसरा, तीसरे पता नहीं क्या हवा में क्या मैंने हवा वाला ग्रेनेड फेंका ये, लेकिन दूसरे ग्रेनेड से ही वो बंदा मर गया जिसको मैंने नॉक किया था। 25 फिनिश हो गया, बचा लास्ट बंदा, और लास्ट बंदा वही है जिसने मेरे को सबसे पहले मारा था। तो मैंने एक ग्रेनेड शेक में ही फेंका लेकिन वो बंदा नहीं फटा। अब उसके बाद हो सकता है कि वो मेरे पे ग्रेनेड फेंकते, इसलिए मैं वापस अंदर घर में चला जाता हूं, और उसके बाद में जब मैं घर में अंदर था तभी वो बंदा मेरे को दिखता है। देखो जरा, अब मैंने इसे जानबूझ के हल्का सा लिट किया। मैं सोच रहा कि चलो आज पैनबाजी हो जाए, थोड़ी सी पैन से मारेंगे इसको। तो मैं यहां पर आया और सामने घास में आप लोगों को बंदा दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं इस पर जैसी पैन फेंकता हूं भाई, लकीली ये उसी समय मूव हो जाता है। भाई क्यों मेरा पैन वाला तूने किल मिस करवा दिया। अब इसके बाद मैं जैसी मैं इस पर स्मोक फेंक रहा था भाई, ध्यान से देखो, 3-2-1 ग्रेनेड आया भाई मुंह पे। और अब मैंने डिसाइड करा कि एक गोली मार के इसको लिट करके घूंसे मारने जाता हूं। जैसी गोली मारी भाई साहब, इसके अंदर इतनी कम जान थी, ये फूंक से ही मर जाता, मैं तुम लोग क्या बताऊं। बाय द वे गाइस, ये मैच कैसा लगा तुम लोगों को पूरा? अब देखो पोचिंग के अंदर ही हूं अभी भी, तो ये मेरे लिए एक न्यू रिकॉर्ड है। पहला ऐसा मैच होगा जिसमें मैं पूरा पोचिंग के अंदर खेला हूं। मुझे याद नहीं, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो और याद है कि हाँ इससे पहले भी कोई मैच है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो चलेगी तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो और हाँ गाइस, मैं बीजीएमआई भी खेलूंगा, सारे गेम्स खेलूंगा एक्चुअली मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने चैनल को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा हूं, तो इसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो बस मेरा ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।